बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ आवर लेसन नंबर 15। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन राइट्स मीन्स इंसानी हकूक। ह्यूमन राइट्स से मुराद वो हकूक हैं जो किसी भी इंसान को उस वक्त हासिल हो जाते हैं जब वो पैदा होता है। ये हकूक इंसान को किसी ख़ास मुल्क का शहरी या किसी ख़ास मज़हब के फॉलोअर होने की वजह से ही नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। चाहे वो किसी भी मुल्क का शहरी हो, किसी भी मज़हब से इसका ताल्लुक़ हो, काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, ये तमाम राइट्स उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों की वैल्यू और डिग्निटी इक्वल है। Now, these are some human rights, that the right to get education, freedom of assembly and association, freedom of movement, right to choose a religion, freedom of speech, right to get true information, and the right to press and thoughts. These are some human rights that every person has a right to get. Now, why these rights are important? ये rights क्यों अहम होते हैं? ये राइट्स तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं राइट्स की मदद से एक इंडिविजुअल एक रिस्पेक्टफुल, पीसफुल और डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द सम बेसिक ह्यूमन राइट्स इन डिटेल्स, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? इंसानी हकूक क्या हैं? All human beings are born with some basic freedoms. तमाम इंसान कुछ बुनियादी आज़ादियों के साथ पैदा हुए हैं। Rights यानी कि हकूक, which allow them, जो उनको इजाज़त देते हैं to live their lives in a certain way, अपनी ज़िंदगियाँ एक ख़ास तरीके से गुजारने में, यानी कि ये rights उनको अपनी ज़िंदगियाँ एक ख़ास तरीके से गुजारने की इजाज़त देते हैं। These rights are universally known as the human rights. ये तमाम हकूक आलमी तौर पर इंसानी हकूक कहलाते हैं। Here are some basic human rights. कुछ बुनियादी हकूक या कुछ बुनियादी इंसानी हकूक ये हैं। द फर्स्ट राइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, के ज़िंदगी और आज़ादी का हक। एवरी वन हैज़ अ राइट टू लाइफ एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, यानी कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से और हिफाजत से गुजारे। द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, ज़िंदगी और आज़ादी का हक। एवरी वन हैज़ अ राइट टू लिव, हर किसी को रहने का हक हासिल है, एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, और आज़ादी और हिफाजत से रहने का। Nobody has the right to treat another as a slave or hurt them in any way. किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ गुलाम के तौर पर सलूक करें या किसी भी तरह से उसको तकलीफ दें। The law is the same for everyone. कानून हर एक के लिए एक जैसा है। No one can put another person in prison without proof and trial. कोई भी शख्स किसी दूसरे को बगैर सबूत या आजमाइश के कैद में नहीं डाल सकता। नाउ द नेक्स्ट राइट दैट वी विल डिस्कस इज द राइट टू फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, यानी कि खाना खाने का हक हासिल है, पहनने के लिए कपड़े भी होने चाहिए, ये हक भी हासिल है हर इंसान को, और रहने के लिए घर हासिल करने का हक भी हर इंसान को है। द राइट टू फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, खुराक, कपड़े और पनाहगाह का हक। फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर आर द एसेंशियल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स। खुराक, कपड़े और पनागा किसी भी इंसान की लाजमी ज़रूरियात हैं। वी नीड टू ईट फूड टू लिव, ग्रो एंड वर्क, हमें रहने, पलने बढ़ने और काम करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडीज फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, कपड़े हमारे जिस्मों को गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं। इट इज़ एवरी पर्सन्स राइट टू हैव क्लॉथ्स टू वियर, हम में से हर शख्स का ये हक है कि उसको पहनने के लिए कपड़े मिलें। वी ऑल नीड अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हम सबको अपने सर के ऊपर छत की ज़रूरत होती है। A home gives us shelter and protects us not only from the wind, rain, heat and cold, but also from physical harm or danger. एक घर हमें पनाह देता है और ना सिर्फ हमें हवा, बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाता है, बल्कि किसी भी जिस्मानी नुकसान और ख़तरे से भी महफूज रखता है।
द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू वर्क, काम करने का हक। यानी कि हर शख्स को ये फ्रीडम हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए किसी भी काम का इंतखाब कर सके। यानी कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर ही बने, अगर वो पायलट बनना चाहता है तो वो पायलट ही बने, और अगर वो चाहता है कि वो टीचर बने तो उसको इस बात का हक हासिल होना चाहिए कि वो टीचर ही बने। यानी कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी आज़ादी से अपने प्रोफेशन का, अपनी जॉब का इंतखाब कर सकता है। द राइट टू वर्क, काम करने का हक। एवरी वन हैज़ द राइट टू वर्क, हर एक को काम करने का हक हासिल है। टू बी फ्री, वो आज़ाद हो, टू चूज़ देयर वर्क, अपने काम के इंतखाब में, एंड टू गेट पेड फॉर देयर वर्क, और उसको उसके काम का मुआवजा भी मिले। इफ़ अ मैन एंड अ वुमेन डू द सेम वर्क, दे शुड गेट द सेम पे। अगर एक मर्द और औरत एक जैसा काम करते हैं तो उनको उसकी तनख्वाह भी एक जैसी मिलनी चाहिए। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ये हकूमत का हक फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करें। द लॉ शुड गारंटी, कानून को इस बात की ज़मानत देनी चाहिए, दैट इज़ मेक श्योर, यानी कि वो इस बात को यकीनी बनाए दैट ऑल सिटीजन्स हैव ह्यूमन राइट्स, के तमाम शहरियों को इंसानी हकूक मिल रहे हैं। इट शुड अलाउ एवरी वन टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड टू बी रिस्पेक्टेड। हर किसी को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो दूसरों की इज्जत करे और उसकी भी इज्जत हो। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम हिस्सों में नो सोसाइटी, ना ही कोई मुआशरा, नो ह्यूमन बींग्स, ना ही कोई इंसान शुड टेक इट अपॉन हर सेल्फ और हिम सेल्फ टू एक्ट इन सच अ वे एज टू डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ अदर्स। किसी ऐसे अमल को कि जो दूसरों के हकूक को पामाल कर दे, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यानी कि किसी भी इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे इंसान के हकूक पामाल हों। दिस इज़ अ ड्यूटी वी ऑल हैव टूवर्ड्स ईच अदर। ये हम सब का एक दूसरे की तरफ फ़र्ज़ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी कैन आस्क फॉर राइट्स ओनली वेन वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डू आवर ड्यूटी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हकूक की बात सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता हो और हम अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हों। Some rights are specially assigned for the children. That are the children's right, and every child has a right to get these rights. So, children's rights, बच्चों के हकूक। All children are born free and each should be treated equally. तमाम बच्चे आज़ाद पैदा हुए हैं और हर एक के साथ मुसावी सलूक करना चाहिए। They have reason and conscience and should act toward one and other in a friendly manner. वो वजह और ज़मीर रखते हैं और इनको दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज में पेश आना चाहिए। The next right is right to be loved. मोहब्बत का हक। Every person, every child has a right to love and care. That every child has a right to have someone to love and care for them. यानी कि हर बच्चे को ये हक हासिल है कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनसे मोहब्बत भी करे और उनकी केयर करे, उनकी हिफाजत करे। So, the right to be loved. प्यार करने का हक या मोहब्बत करने का हक। ऑल ह्यूमन बींग्स नीड अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तमाम इंसानों को प्यार, मोहब्बत और उनको समझने की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन हैव अ राइट टू बी लव्ड एंड केयर्ड फॉर। बच्चों को यह हक हासिल है कि उनसे प्यार किया जाए और उनका ख्याल रखा जाए। लव गिव्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। प्यार हमें तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और ख़ुशी का एहसास देता है। द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू गेट एजुकेशन। यानी कि हर बच्चे को ये हक हासिल है कि वो तालीम हासिल करे। द राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का हक। एवरी चाइल्ड, गर्ल और बॉय, हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड रिसीव फ्री एजुकेशन। हर बच्चा, लड़की हो या लड़का, उसको स्कूल जाने का और मुफ्त तालीम हासिल करने का हक हासिल है। एट स्कूल पर दे शुड बी एबल टू डिवेलप ऑल देयर टैलेंट्स। वो इस काबिल होने चाहिए कि वो अपनी तमाम सलाहियतों को बेहतर बना सकें या उनको तरक्की दे सकें। एंड शुड बी टॉट टू गेट ऑन विद अदर्स, और उनको दूसरों के साथ मिलकर चलना भी सिखाना चाहिए। वट एवर द रेस, रिलीजन और द कंट्री दे कम फ्राम,
चाहे वो किसी भी नस्ल, मज़हब या मुल्क से आया हो, एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, गर्ल और बॉय, लड़की या लड़का, शुड बी गिवन एन इक्वल चांस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ अहेड. उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए एक जैसे मौके देने चाहिए. However, ताहम a child should not be forced to study all the time. एक बच्चे पर हर वक्त पढ़ने के लिए जोर नहीं देना चाहिए. An old proverb, एक पुरानी कहावत, all work and no play makes jack a dull boy. पीसते पीसते आदमी कोलू का बैल बन जाता है, is true to this day, इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त है. यानी कि हर वक्त का काम और कोई खेल नहीं लड़के को काहिल और सुस्त बना देता है. चिल्ड्रन शुड बी गिवन टाइम टू प्ले गेम्स एंड दे इंजॉय एंड टू रिलैक्स. बच्चों को खेल के लिए वक्त देना चाहिए ताकि वो पुरसकून और लुत्फानंदोज हो सकें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर चिल्ड्रंस राइट्स दैट अ चाइल्ड ऑल्सो हैव. Children also have the following rights. बच्चों के हकूक दर्ज ज़ैल भी हैं. द राइट टू फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, खुराक, कपड़े और पनागा का हक. द राइट टू मेडिकल केयर, तिब्बी देखभाल का हक, एंड टू बी फर्स्ट टू गेट रिलीफ इन अ डिज़ास्टर और एमरजेंसी. और किसी भी हंगामी सूरत हाल या फिर किसी आफत में बच्चों को सबसे पहले सुकून पहुंचाने का हक. यानी कि बच्चों को ये हक हासिल है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले उनको किसी महफूज मकाम पर पहुंचाया जाए. द राइट टू अ नेम एंड नेशनैलिटी, नाम और कौमियत का हक. दे हैव द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री, उनको एक मुल्क का शहरी या एक मुल्क से ताल्लुक होने का हक हासिल है. द राइट टू लिव इन पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अमन और आलमी भाईचारे के साथ रहने का हक. द राइट टू इंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, रिलीजन एंड नेशनैलिटी. किसी भी नस्ल, रंग, जेंस, मज़हब या कौमियत से कतअ नज़र होकर तमाम हकूक से लुत्फानंदोज होने का हक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स अराउंड अस. ये बहुत अहम है कि हम अपने इर्द गिर्द दूसरों के हकूक की इज्जत करें. आवर वर्ल्ड वुड बी अ मच हैप्पियर प्लेस इफ ऑल द पीपल इंजॉयड देयर ड्यू राइट्स. हमारी ज़मीन, हमारी दुनिया एक बहुत ही खुशगवार जगह बन जाएगी अगर तमाम लोगों को उनके जायज़ हकूक मिले. वी ऑल्सो नीड टू नो एंड कैरी आउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स अदर्स. हमें दूसरों की तरफ अपने फराइज़ को समझने और अमल करने की ज़रूरत है. दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड इन दिस लेसन वी लर्न दैट वी कैन मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस बाय परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़ एंड बाय गेटिंग आवर ड्यू राइट्स. सो वी शुड रिस्पेक्ट द अदर्स राइट्स एंड इट शुड बी परफॉर्म इन अ गुड वे. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लर्न एंड रिवाइज योर लेसन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.